आज की कक्षा में हम ब्रिटेन के संविधान के अंदर कानून, जिसे हम कानून के रूप में देखते हैं, ब्रिटेन के संविधान में कानून जैसी व्यवस्था को अभी समय कहा जाता है। तो इस अभी समय, ब्रिटेन के संविधान में अभी समय से क्या अर्थ है, क्या अभी समय है वो कानून का रूप है, कानून और अभी समय में क्या अंतर है, अभी समय का ब्रिटेन के संविधान में क्या महत्व है, क्या इसकी उपयोगिता है। तो सर्वप्रथम हमें देखना है कि अभी समय क्या होता है। अभी समय को भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतों के अनुसार अलग अलग नामांकन दिया है। मिल साहब कहते हैं कि संविधान में अलिखित जो नियम होते हैं, संविधान के अलिखित नियम हैं, वो अभी समय कहलाते हैं। इसी तरह से एनसन महोदय की बात करें तो एनसन कहते हैं कि संविधानिक जो परंपराएं हैं, संविधान में जो परंपराएं होती हैं, संविधानिक परंपराओं को संवैधानिक जो परंपराएं हैं उन्हें अभी समय कहा जाता है। तो अभी समय एक प्रकार से अलिखित नियम, एक प्रकार से प्रथाएं, इन्हीं को अभी समय कहा जाता है। अभी समय ऐसे क्या होते हैं जो कानून का रूप ले लेते हैं। दूसरे शब्दों में हम आम बोलचाल की भाषा में बात करें या सामान्य अर्थ जानने की कोशिश करें तो अभी समय का अर्थ है कि जो प्रचलित रीति रिवाज या प्रथाएं जो हैं शासन व्यवस्था के अंतर्गत, जो प्रथाएं पूर्व से संचालित हैं, वो प्रथाएं धीरे धीरे किसका रूप ले लेती हैं, कानून का रूप ले लेती हैं, नियम का रूप ले लेती हैं, और वही प्रथाएं हैं वो अभी समय कहलाती हैं। दूसरा, प्रथाएं होती हैं, इन प्रथाओं को कैसे लागू किया जाए, ये कैसे, क्या कानून के बिना प्रथाएं लागू की जा सकती हैं। जी हाँ, ब्रिटेन में प्रथाएं हैं वही कानून का रूप के रूप में काम करती हैं। तो उनका क्या कारण होता है, उसके पीछे लोकमत की शक्ति प्राप्त होती है, अर्थात लोकमत की शक्ति का अर्थ है कि जनता उन्हें स्वीकार कर लेती है। किसी भी, जिसे हम सत्ता, शक्ति सत्ता वैधता में पढ़ते हैं कि शक्ति और सत्ता को जब जनता की स्वीकृति मिल जाती है या लीगलाइज हो जाती है या उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वैध हो जाती है, उसी तरह से जो ट्रेडिशंस होते हैं, जो प्रथाएं होती हैं, उनको लोकमत है वो स्वीकार कर लेता है, और उन स्वीकार करने के कारण उनको आम जनता में कानून के रूप से माना जाता है और वो अभी समय कहलाते हैं। तीसरी बात, इन्हीं क्या, इन लोक प्रथाएं, ये जनता के जो नैतिक नियम हैं, जो ब्रिटेन में नैतिक परंपराएं हैं, जो नैतिकता से जुड़ी हुई हैं, जो सदियों सदियों से चली आ रही हैं और वर्तमान समय में कानून का रूप ले चुकी हैं, उन प्रथाओं को लोकमत का स्वीकृति मिलने के पश्चात न्यायिक रूप से उनका संरक्षण भी प्राप्त होता है, अर्थात उन्हें कानून का रूप, वहाँ की शासन व्यवस्था और वहाँ के नागरिक उसको स्वीकार करते हैं। जब नागरिक और शासन व्यवस्था में जो लोग हैं, सत्ता में जो लोग होते हैं, जो व्यवस्था होती है शासन व्यवस्था की, वो उसको स्वीकार कर लेती है। तो अभी समय का सामान्य अर्थ ये है कि एक प्रकार से ऐसे नैतिकता के नियम, ऐसी प्रथाएं जिन्हें लोकमत स्वीकार कर ले और वो कानून का रूप ले ले। ये जो प्रथाएं हैं, ये जो कानून है, ये जो अभी समय है, ये कैसा रूप होता है, ये अलिखित होता है। अर्थात जो कानून है उसी की तरह से नहीं, बल्कि ये एक प्रकार से ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं, इनका कहीं पर लिखा हुआ नहीं होता है, ये अलिखित परंपराएं होती हैं। अलिखित होने के कारण ये कानून के रूप में कार्य तो करती हैं, लेकिन कानून का जैसा रूप नहीं होता है। क्या कारण होता है, अभी समय और कानून में यदि हम अंतर देखें तो पहला अंतर तो यही है कि रूप के आधार पे कानून है वो लिखित रूप में होता है। कानून जो होता है वो कैसा रूप होता है, उसका लिखित रूप होता है।
लिखित रूप होता है और जो प्रथाएं और जो परंपराएं होती हैं वो अलिखित होती हैं। तो ये एक अंतर है। अब इनको निर्माण कौन करता है, प्रथाएं जो हैं इनका निर्माण कैसे, या अभी समय जो है इनका निर्माण कैसे होता है, ये एक प्रकार से व्यवहार के आधार पर जनता इन्हें स्वीकार कर लेती है। आम व्यवहार में होने वाले नियम, आने वाली नैतिकताएं, उन्हीं को लोकमत जब स्वीकार कर लेता है तो वो क्या बन जाता है, अभी समय बन जाता है। जबकि इनका कानून का निर्माण कहाँ होता है, कानून निर्मात्री जो सभा होती है वो वे कानून का निर्माण करते हैं, एक निश्चित प्रक्रिया का पालन किया जाता है, फिर उस पर राज्य के अधिकारी होते हैं, राज्य के जो प्रमुख होते हैं उनके हस्ताक्षर होने के बाद वो कानून का रूप लेते हैं। तो एक प्रकार से कानून है वो एक निर्माण की जाती है, कानून को बनाया जाता है, जबकि अभी समय होते हैं वो एक मानव के व्यवहार में आने वाली नैतिकताएं होती हैं, उन्हीं नैतिकताओं के आधार पे इसको शामिल किया जाता है। अब इन कानून को जब कानून निर्मात्रिक सभा के द्वारा किया जाता है तो इसमें क्या, किसका भाव पाया जाता है, निश्चितता, इसमें डेफिनेट होता है, निश्चितता होती है और इसमें निश्चितता का अभाव होता है। अर्थात इसको दूसरे शब्दों में हम क्या कहें कि स्वीकृति के आधार पर इसको प्रभुत्व मिलता है, अर्थात सत्ता के माध्यम से इसको लागू किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को कानून का पालन नहीं करता है, कोई व्यक्ति कानून का पालन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में सत्ता है उसको कानून का पालन करने के लिए बाध्य करती है कि आपको इस अमुक कानून को जो है इसको मानना पड़ेगा। यदि वो कानून नहीं मानता है तो प्रभुत्व है, शक्ति जो है, सत्ता जो है वो उसको दंडादेश देती है, दंड देती है। जबकि लोकमत के लिए अभी समय में किसी तरह की कोई दंड की प्रावधान नहीं है। अर्थात यदि कोई किसी ने अभी समय का पालन नहीं किया जाता तो उसे एक प्रकार से माना जाता है कि उन्हें करना चाहिए, करना चाहिए इस जो भी प्रथा है, जो भी परंपरा है उसका पालन करना चाहिए। तो एक प्रकार से हम कहें कि नैतिकता के ऐसे नियम हैं, ये अभी समय जो होते हैं वो नैतिकता के ऐसे नियम होते हैं जिसे लोकमत के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। वहाँ की ब्रिटेन की राजनीतिक तथा सामाजिक जो व्यवस्था है वो उसे स्वीकार करती है, सामाजिक ताना बाना है वो उसे स्वीकार करता है, राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल हैं वो उन्हें स्वीकार करते हैं, उनके अस्तित्व को मानते हैं तथा उसी के अनुसार व्यवस्था में जहाँ जहाँ भी अभी समय पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ भी परंपराएं बनी हुई हैं, जहाँ जहाँ भी प्रथाएं बनी हुई हैं, वहाँ शासन में उस व्यवस्था को फॉलो किया जाता है, उसका पालन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये हम कहें कि अभी समय एक ऐसी अलिखित परंपरा है जो ब्रिटेन के नागरिकों की सांस्कृतिक रूप से अपनी जागरूकता और अपनी भावना के अनुसार राजनीतिक और सामाजिक दोनों ढांचों को फलवित करती है और उनको बनाए रखना चाहती है, उनमें कोई चेंज नहीं करना चाहती है, चाहे वो प्रथाएं या परंपराएं संयोग या विवेक से बनी हो या अचानक से किसी कारण ऐसा करना हो। उदाहरण के तौर पर जार्ज जो राजा हुआ करते थे, जार्ज राजाओं को इंग्लिश नहीं आती थी ज़्यादा, ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल की बैठक होती थी तो सम्राट के द्वारा उसमें बैठक में हिस्सा नहीं लिया जाता था और उन्होंने धीरे धीरे कैबिनेट की या मंत्रिमंडल की बैठक में अवॉइड करना छोड़ना शुरू कर दिया, बैठकों में नहीं आए। तो एक धीरे धीरे यह बाद में जब जार्ज तृतीय जब आए तो उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में जाना शुरू किया और कहा कि मैं बैठक लूँगा और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष हूँ मैं। ऐसी स्थिति में उनको डिनाई किया गया, मंत्रिमंडल ने मना किया और एक परंपरा बन गई कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री करेंगे न कि सम्राट। तो ये क्या थी, एक परंपरा थी और धीरे धीरे वही परंपरा कानून का रूप है, आज उनमें उसी को मानते और वही एक मान्य है। इस तरह से ब्रिटेन में पाई जाने वाले अभी समय हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, चाहे सम्राट से लें, सम्राट है वो मंत्रिमंडल का गठन से संबंधित प्रधानमंत्री बहुमत दल का जो राजनीतिक दल का नेता होता है उसे प्रधानमंत्री पद के लिए बुलाता है, प्रधानमंत्री है वो अपने राजनीतिक दल के अंदर मंत्रिमंडल का गठन करता है, संसद के अंतर्गत
दो सदन होंगे, एक कॉमन सभा है, एक लॉर्ड सभा है। दोनों सदनों में अपने अपने प्रति एक वर्ष में इनका जो नियम है कि संसद का जो बैठक है वो एक वर्ष के अंदर अंदर होना आवश्यक है। तो इस तरह से बहुत सारे अभी समय ऐसे बन गए जो धीरे धीरे संवैधानिक विकास की परंपराओं के रूप में, प्रथाओं के रूप में चलते आए और उन्होंने कानून का रूप ले लिया, जिन्हें आज ब्रिटेन के संविधान में पालन किया जाता है, उसकी पालना की जाती है। तो हम ये कहें कि अभी समय जो हैं वो कानून का रूप ले चुके हैं, और वो कानून का रूप क्यों होता है, क्या उपयोगिता है ऐसी जो अभी समय को मानते हैं या उनको कानून की से भी ज़्यादा उनका पालन किया जाता है, ऐसा क्या कारण है, उसकी क्या उपयोगिता है, ये हम पढ़ेंगे। अर्थात अभी समय की उपयोगिता क्या है, कैसे लोग उनको मानते हैं। पहली बात, संविधान की आत्मा है एक प्रकार से, अभी समय है वो एक प्रकार से संविधान की आत्मा के रूप में है। अर्थात संविधान की आत्मा है तो क्या है, संविधान के विकास में सहायक हैं। हमने जो संविधान का विकास पढ़ा, किस तरह से अलग अलग युगों में कैसे कैसे संविधान का धीरे धीरे उत्तरोत्तर विकास होता रहा है, उसमें प्रथाओं का अभी समय का सही महत्व है। लिटन स्ट्रेसी के कथन को हमने देखा कि संविधान का जो विकास है वो संयोग और विवेक का शिशु है। अर्थात संविधान के अंतर्गत होने वाली आने वाली प्रथाएं, आने वाले नैतिकता के नियम, वो धीरे धीरे एक प्रकार से कानून का रूप बन गए, और जिसे हम कहें मैग्ना कार्टा है ना, बिल ऑफ राइट्स या बिल ऑफ पिटीशंस, जो याचिकाएं लगी, ये धीरे धीरे जो कानून का रूप लिया इन्होंने, मैग्ना कार्टा ने, ये टैक्सेस से संबंधित, कर से संबंधित, मनुष्य के व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित, ये सारे के सारे ऑर्डिनेंस, ये सारे के सारे पिटीशंस, ये किससे बने, ये अभी समय प्रथाओं से, रीति रिवाजों से धीरे धीरे कानून का रूप लिया। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अभी समय और कानून है वो क्या है, संविधान के विकास में सहायक है। अर्थात संविधान का उत्तरोत्तर जो विकास हुआ है उसमें ये सहायता प्रदान करते हैं। दूसरी बात क्या कहते हैं, संविधान को यदि विकास है, लेकिन संविधान के विकास के साथ सबसे बड़ी इससे जुड़ी हुई चीज क्या है कि शासन व्यवस्था में क्या स्थिति है। शासन व्यवस्था जो है शासन व्यवस्था में बनने वाली प्रथाएं या शासन व्यवस्था में चले आ रहे अभी समय को दोनों राजनीतिक दलों के द्वारा स्वीकृति प्राप्त है। अर्थात कोई भी राजनीतिक दल उसे नहीं तोड़ता है और चली आ रहे अभी समयों का पालन करता है। ऐसी स्थिति में शासन व्यवस्था में किसी भी तरह का आपसी संघर्ष या टकराव की स्थिति है वो पैदा नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शासन व्यवस्था उसे स्वीकृत करती है, शासन व्यवस्था में उसको फॉलो किया जाता है। यदि शासन व्यवस्था उसे फॉलो नहीं करती कि मान लेती कि अमुक प्रथा है, अमुक है, वो रीति रिवाज है, ये कानून नहीं है, हम इसे स्वीकार नहीं करते, तो क्या होता, धीरे धीरे वो प्रथा या रीति रिवाज खत्म हो जाती और उसकी जगह या तो कानून आता या अन्य कोई नियम आते। लेकिन शासन व्यवस्था में आने वाले जितने भी नियम, जितने भी प्रथाएं, जितने भी रीति रिवाज हैं, उनको किसी भी राजनीतिक दल अर्थात किसी की भी सरकार बने, दोनों के दोनों जो दल हैं वो उन्हें स्वीकार करते हैं। क्यों स्वीकार करते हैं, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी बात है, इसमें लोकमत की शक्ति है। लोकमत की शक्ति प्राप्त है, लोकमत को अर्थ है जनमत, जनता, जनता उन प्रथाओं को मानती है। जनता उन प्रथाओं को क्यों मानती है, क्योंकि वो सभी प्रथाएं एक प्रकार से समाज के आधारभूत ढांचे के लिए और राजनीतिक ढांचे के लिए अति आवश्यक हैं। यदि उनको स्वीकार नहीं किया जाए तो वहाँ का सामाजिक और राजनीतिक ढांचा है जिसमें एक नागरिकों की संस्कृति है, उसका पतन होगा। और यदि नागरिक संस्कृति, ब्रिटेन के लोगों की नागरिक संस्कृति में पतन होता है या सामाजिक ढांचे में पतन होता है तो क्या होगा, सारी शासन व्यवस्था कोलैप्स हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में लोकमत की जो शक्ति प्राप्त है, अर्थात वही नियम प्रचलित हैं, वही नियम अभी तक जीवित हैं
जिन्हें जनता मानती है। अब उनको क्यों मानती है, क्यों उनमें ऐसा है, उनका कोई ना कोई कारण होता है, उनके पीछे लोगों की स्वीकृति होती है, लोगों के लिए आवश्यक है। दूसरी चौथी बात इसमें जो है, इसे क्यों माना जाता है, कहा जाता है कि अभी समय है वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करते हैं। अल्पसंख्यक अर्थात जो संख्या में कम लोग हैं उनकी स्वीकृति की बात करते हैं, तो अभी समय में और जन संप्रभुता के अंतर्गत उनकी स्वीकृति प्राप्त है। तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान का जो रूप है, जो कानून का जो रूप है, जो उसी को अभी समय के रूप में देखते हैं। अभी समय का अर्थ ये हुआ कि जो प्रचलित नैतिक मान्यताएं, रीति रिवाज और प्रथाएं हैं उनको स्वीकार किया जाता है और वो एक कानून का रूप ले चुके हैं। यही ब्रिटेन की संस्कृति है, यही ब्रिटेन का एक संविधान है। थैंक यू।